जो थीम हम बयान करने जा रहे हैं ये इंशाल्लाह आसान है। कैसरी सी आप सब जानते हैं, पीर रूह को मुखातिब करके कहते हैं कि ए शेरे बबर, मतलब तू तुझको तो शेर बनाया गया था मगर तू अपने आप को बकरी समझ रहा है। तो इसके पीछे कोई स्टोरी बयान करते हैं कि एक शेर का बच्चा शुरू में बकरियों के साथ पलता बढ़ता है और फिर अपने आप को बकरी समझ के उनके साथ ही खुश रहता है। फिर जंगल का कोई शेर देखता है कि एक शेर बकरियों के साथ बिल्कुल बकरी बन के घूम रहा है और कोई शेर आता है तो वो भागता है, तो फिर वो शेर उसको पकड़ के पानी में ले जाता है और उसकी शक्ल दिखाता है कि भाई तू खुद भी शेर है और तू क्यों भागता है। तो ज़रा ये स्टोरी कोई बैकग्राउंड के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि तू रूह है जो बहुत पाक है, बहुत आला है, तेरी मंजिल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इस खाकी जिस्म में आने के बाद तू अपने आप को मट्टी पस्त और बहुत ही लो लेवल पर फील करता है और अपनी असल सूरत जो है वो तू भूल गया है। तो तूने कैसा अपना स्वरूप भुला दिया है और अपने आप को तू क्या समझता है? तो कुरान का चैप्टर नंबर 95 है, इसकी आयत में पहले खुदा कसम खाता है। खुदा जब कसम खाता है तो वो आगे जो बात करने वाला होता है उस बात को बहुत इम्पोर्टेंस देने के लिए वो शुरू में कस्में खाता है। अब जिस चीज़ की कसम खाई है उन सब की तावील है, लेकिन आज उसको स्किप करते हुए हम जो मैसेज है उस पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह तीन है। वह तीनी व जैतूनी, और तीन की कसम और इंजीर की कसम और जैतून की कसम, व तूरे सीनीन और तूरे सीनीन पहाड़ की कसम, व हाजल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की कसम। ये कस्में खाने के बाद जो खुदा बात करता है उसको जवाबुल कसम कहते हैं, यानी इस कसम के जवाब में खुदा क्या कह रहा है। और कसम खाने के बाद जब वो कोई बात करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो खुदा फरमाता है, लक़द खलकनल इंसाना फ़ी अहसना तकवीम सुम्मा रददनाहू फ़ी असफला साफिलीन। बेशक हमने इंसान को बहुत ऊंचे दर्जे पर पैदा किया था मगर फिर हमने उसको एक पस्त मकाम पर भेज दिया। तो पैदा करने का मकाम बहुत ऊंचा था, फिर हमने उसको एक पस्त मकाम पर भेज दिया, यानी जिस्म का लिबास दे दिया उसको, और इस जिस्म की वजह से वो अपने आप को अब बहुत ही लो लेवल पे फील करता है। तो इस गिनान की थीम से वो बहुत रिलेट करता है कि तू तो शेर बबर था मगर तू बकरियों के साथ रहकर अपने आप को बकरी समझ रहा है, और इस शक में अगर तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस शक को छोड़कर तुम अली को याद करना, क्योंकि अली की याद से फिर तुमको अपनी असलियत को समझने की तौफीक मिलेगी। तो जब भी हम ये कहते हैं कि इसका मतलब इंसान की हस्ती के दो लेवल्स हो गए, एक कोई बहुत ऊंचा लेवल है और एक बहुत ही लो लेवल है, और इन दो लेवल्स के दरमियान क्या रिश्ता है, इस गैप को कैसे ब्रिज करना है, सबसे पहले तो ये यकीन रखना होगा कि हमारी रूह इमाम के साथ एक है। वो जो मोनो रियलिटी का एक तसव्वुर है कि हम सब जब इमाम तशरीफ़ लाते हैं, इमाम फरमाते हैं यू आर ऑलवेज़ इन माई थाट्स, यू आर इन माई हार्ट्स, यू आर इन माई लव, तो हमें क्या लगता है, क्या मौला हमको सिर्फ खुश करने के लिए कहते होंगे कि आप मेरे दिल में हैं? हम सचमुच मौला के दिल में हैं, चूँकि वो नफ्स कुल है और हम नफ्स जुज़ हैं। तो अगर हम मौला के अंदर रहते हैं तो अपने उस लेवल का यकीन रखना होगा। जब ये यकीन होगा तो फिर उस यकीन के हिसाब से इस गैप को ब्रिज करना आसान होगा। मसला कहाँ होता है जहाँ इंसान अपने आप को वाकई बहुत लो समझता है और इसी जिस्म के अहवाल में गिरफ्तार रहकर अपने आप को छोटा समझता है? मौला ने फरमाया, तुम अपने दिल में अपनी रूह यानी हमारे नूर को देखो, अपनी रूह यानी हमारे नूर को देखो। एक और जगह इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, कुछ मोमिनीन की इमाम तारीफ़ करते हैं और उसके लिए फरमाते हैं कि वो अपनी रूह के आशिक थे। मौला ये नहीं फरमाते कि वो मेरी रूह के आशिक हैं, वो अपनी रूह के आशिक हैं। इसका मतलब हमारी रूह और इमाम की रूह के अंदर कोई एक ऐसा रिश्ता है कि वो आपस में हम दोनों को जोड़ता है और उस वजह से हमारा लेवल कहीं बहुत ऊपर है। लेकिन जिस्म में आने के बाद, एलिमेंट्स के वर्ल्ड में रहने के बाद, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और उससे बहुत दूर और बहुत ही नीचे महसूस करते हैं। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक और जगह फरमाया, मोमिन की निगाह हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ कहाँ होनी चाहिए? छत की तरफ, आसमान की तरफ। इससे यही मुराद है कि तुम्हारा सबसे जो ऊंचा मर्तबा है, तुम्हारी आखिरी नज़र उस पर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास अमन और अरजान बैठे हैं, अगर अभी से इनको पता है
कि इनको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो फिर उनकी नज़र वहाँ रहेगी और इनकी ज़िंदगी का सारा प्रोग्राम उसके हिसाब से वो बनाएंगे। लेकिन अगर उनका कोई टारगेट ना हो, कोई गोल ना हो, तो फिर ज़िंदगी यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी। इसलिए जब टारगेट पता हो, हमको अपना फाइनल डेस्टिनेशन पता हो, तो बाकी पूरे रास्ते को सेट करना हमें आसान रहता है। तो इसमें मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, आपने सुना होगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान में जो बड़े बड़े माउंटेनियर्स हैं वो इस्माइली माउंटेनियर्स हैं, और उन्होंने सबसे पहले K2 को भी क्लाइम किया, फिर माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम किया, फिर एक लड़की ने भी क्लाइम किया। तो माउंटेन्स की उन मिसाल उनसे जब बातचीत करते हैं या उनका जब प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उससे एक मिसाल मेरे जहन में आई कि जब माउंटेनियरिंग के लिए या कोई पीक को क्लाइम करने के लिए एक ग्रुप निकलता है, तो उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ बेस कैंप तक जाने के लिए होते हैं, उसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, पोर्टर्स भी होते हैं, कुक भी होते हैं, वॉश करने वाले भी होते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फर्स्ट कैंप बनाते हैं ये लोग, फिर सेकंड कैंप बनाते हैं, डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ द माउंटेन, वो डिफरेंट कैंप्स बनाते हैं। तो फर्स्ट कैंप तक भी कुछ लोग जाते हैं, सेकंड कैंप तक भी कुछ लोग जाते हैं, थर्ड कैंप और उससे आगे सिर्फ वो माउंटेनियर्स जाते हैं। जिनको सिर्फ बेस कैंप तक जाना है, इनको पता है कि मुझे बेस कैंप तक जाना है, आगे तो कुछ और लोग जाएंगे, तो वो क्या तैयारी करेगा? वो बेस कैंप पे मौसम कैसा है, खाना कैसा ले जाना है, वही तैयारी करेगा ना। लेकिन जिसको फर्स्ट कैंप तक जाना है, वो फर्स्ट कैंप की तैयारी करेगा, जिसको सेकंड कैंप थर्ड कैंप तक जाना है, वो वहाँ की तैयारी करेगा। लेकिन जिसको पीक पे जाना है, उसके ख्याल में पीक होगा, उसके ख्वाब में पीक होगा, उसकी तैयारी में पीक होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको वहाँ तक जाना है, तो उसकी सारी प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन जिसको पता है कि मुझे बेस कैंप तक जाना है, वो बेस कैंप से आगे नहीं सोचेगा, वो बेस कैंप की ही तैयारी करेगा। तो आप देखें, जब आदमी का एक गोल सेट होता है, जब उसको यकीन होता है कि उसकी मंजिल कितनी आला है, कितनी दूर है मगर कितनी आला है, तो वो अपनी प्रिपरेशंस को अकॉर्डिंगली करेगा और यकीन रखेगा कि मैं मौला के साथ एक हूँ, लेकिन मुझे इस राज को अनफोल्ड करना है, मुझे इस पोटेंशियल आइडिया को, मतलब एक बीज अगर ये दावा करे कि मैं दरख्त हूँ और सचमुच अपने आप को दरख्त समझे, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। बीज को ये उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए कि अगर मैं अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन करूँ, अगर मुझे सही मकदार में पानी सनलाइट मिलेगी, तो मेरे अंदर वही दरख्त पैदा होगा जो किसी और के यहाँ पैदा हो गया। बीज को ये उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बीज कबल अस वक्त ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं दरख्त हूँ, क्योंकि अभी वो सीड ही है, अभी वो दरख्त नहीं बना है। तो इस उम्मीद और इस यकीन को ज़िंदा रखते हुए टारगेटेड एफर्ट्स अगर हमारी लाइफ में होंगी, तो फिर वो हमारा रास्ता आसान कर देंगी। अगर हमें दो तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, फंडामेंटल पॉइंट्स मिल गए, मौलाना ने फरमाया तुम अपनी रूह में हमारे नूर को देखो। कुछ मोमिनीन की तारीफ़ करते हुए मौला ने फरमाया वो अपनी रूह के आशिक थे। इसका मतलब मोमिन की रूह और मौला की रूह में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कहा गया ना कि वो अपनी रूह के आशिक थे। यानी जैसे मौला मुर्तज़ा अली का कौल है, मन अरफा नफ्सहू फ़कद अरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो इफ़ यू नो ए यू विल नो बी, अगर ए और बी के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि ए को जानना बी को जानने के बराबर है। इसका मतलब मोमिन की रूह इम्तिहान के लिए, टेस्ट के लिए आप कुरान पढ़ें, गिनान पढ़ें, कभी होता है खुदा का नूर, नबी का नूर, इमाम का नूर, मोमिन का नूर, हमको लगता है ये सब अलग अलग हैं, मगर नूर एक ही है, नूर डिवाइड नहीं हो सकता है। हाँ, उसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग हैं और मोमिन के अंदर भी उसी नूर का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उसको इस खाकी जिस्म में एक इम्तिहान के तौर पर भेजा गया है कि वो अपने आप को पहचाने। जब ये हमको फंडामेंटल पॉइंट मिल गया कि वहाँ पर हम कॉमन, एक हमारा नूर की मीरास है जो कि कॉमन है। जब मौला फरमाते हैं माय बिलोवेड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, तो बाप की जो जायदाद होती है, बाप की जो मीरास होती है, जो विरसा होता है, वो उसकी औलाद के लिए होता है। आज इमाम की ज़ाहरी जायदाद या इमाम के दूसरी चीज़ें नहीं, लेकिन इमाम की रूहानी मीरास, इमाम का रूहानी विरसा जो है, जो उसका इल्म है, विजडम है, नूर है, ये हमारी नूरानी मीरास है। तो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होने की हैसियत से
उसकी नूरानी मीरास हमारी है एक माना में। इमाम देना चाहता है ना, वो नूरानी मीरास हमारी है, हमको मिल सकती है। जैसे इमाम ने फरमाया कि तुम चाहो तो तुम पीर सदरुद्दीन जैसे बन सकते हो, तुम चाहो तो हसन कबीर दीन जैसे बन सकते हो, तुम चाहो तो हम अहले बैत जैसे बन सकते हो। अब देखिए बहुत सारे पर्दे इमाम ने अचानक हटा दिए और हमको मंजिल दिखा दी। अब उसमें स्टेप वाइज आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सेट करनी हैं। सबसे पहला ये कि वो यकीन और उम्मीद हो, एक डेस्टिनेशन तय है। इसके बाद ज़िंदगी का प्रोग्राम बनाना है। मौलाना हाजिर इमाम ने गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली में जो फरमान किए हैं, जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मौला से जब ये सवाल किया जाता है कि आप दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, आपके पास इतना पैसा भी है और आप एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो मौला ने 2-3 दफ़ा इस सवाल पर मौला ने फरमाया कि इस्लाम में ये डाइकोटॉमी नहीं है कि दुनिया अलग और दीन अलग है। दुनिया में रहते हुए दीन को निभाना है, दुनिया के साथ साथ दीन को चलाना है। ये दूसरे लोगों के जहन में होता है कि भाई दीन का मतलब ही अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हैं तो आप दुनिया में कुछ भी ना करें, बल्कि दुनिया इसलिए दी गई है कि उसको दीन के मुताबिक गुजारें। आप देखें इमाम ने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें भी दीन का रिफ्लेक्शन है कि आर्चेस बनाए हैं। और आगा खान यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने जिन्होंने विज़िट किया है, तो एक नैरो गेट होता है, उसके अंदर आप एंटर होते हैं तो एक गार्डन बड़ा सा, और इमाम ने दूसरी जगहों पे जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें भी है। तो ये पैराडाइज के नमूने पे बनी हुई चीज़ें हैं। वाटरफॉल बनाए हैं जगह जगह, क्योंकि बहिश्त में पानी का एक तसव्वुर है और पानी की एक तावील भी है, और वो एक रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग एलिमेंट भी होता है। इसके अलावा पेंटागॉन्स हैं, हेक्टागॉन्स हैं, इस्माइली सेंटर में आप चले जाएं, तो इन सब के पीछे कोई मैसेज है। तो इमाम दुनिया में बिल्डिंग्स के ज़रिए भी तवज्जो दिला रहे हैं। इसका मतलब आप चाहें तो आप अपनी दुनिया के हर फेल को दीन के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे इमाम का फरमान है कि तुम रात को ये नियत करके सो जाओ कि मैं सुबह उठ के अच्छे काम करूँगा, तो तुम्हारा सोना भी इबादत है, हालांकि सोना मौत है एक माना में। रसूल सल्लम ने फरमाया कि नींद मौत की छोटी बहन है। तो यूं तो नींद मौत है, मगर अच्छी नीयत से नींद इबादत हो गई। अगर पानी का गिलास पीते हुए या मौला इससे जो कुव्वत ताकत मिले वो मैं जमात की खिदमत के लिए, तेरे पाक दीन के लिए खर्च करूँगा, तो आप देखें वो पूरे आमाल भी हमारे मज़हब और इबादत में शुमार हो जाएंगे। तो इसके लिए दीन को दुनिया के लिए बेच देना, दीन को दुनिया के लिए सर्फ करना, ये ज़रूरी है कि आप दुनिया को ये सोच सोच के ये मिसाल शायद आपने मेरे लेक्चर्स में कहीं सुनी हो कि कुरान में खुदा कहता है कि ये कैसे अजीब लोग हैं जो आखिरत को बेच के दुनिया को ख़रीद लेते हैं। मोमिन वो है जो दुनिया को बेचता है जल्दी से और आखिरत को ख़रीद लेता है। तो पीर नासिर खुसरो ने इसकी तशरीह फरमाई है कि अगर आपके पास ताज़ा फल और सब्ज़ी हो या दूध हो तो वो जल्दी ख़राब होता है। अक्लमंद आदमी चाहता है कि उसको जल्दी से बेच दे और सिक्का या रुपया ले ले जो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टाइम पर उसको नहीं बेचेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो वो कहता है तुम्हारी उम्र और तुम्हारा एक एक सेकंड उस कच्ची सब्ज़ी और फल जैसा है, इसको जल्दी से बेच के इमाम की मोहब्बत में बेच दो, आखिरत खरीद लो, क्योंकि आखिरत रहने वाली है। अगर तुमने इस उम्र को नहीं बेचा तो तुम ये उम्र सड़ जाएगी। तो एक सौदा दीन में भी एक सौदा है। बैयत का मतलब है ख़रीदना और बेचना। तो हमने मौला के हाथों अपनी जान माल औलाद सब कुछ बेच दी है, और हमें ख़रीदना क्या है? आखिरत को ख़रीद के दुनिया को जल्दी जल्दी बेचना है। दुनिया को बेचते जाएंगे तो वो आखिरत होगी जो लास्टिंग होगी, ड्यूरेबल होगी और हमारे काम आएगी। तो आमाल, अखलाक और इबादत और इल्म। अखलाक जो है वो, जैसे हम यकीन रखते हैं कि इस्लाम एक लंबा रास्ता है और उसकी सबसे पहली मंजिल जो है वो शरीयत है। शरीयत को अदा करने के लिए भी अखलाक अच्छा होना चाहिए। ये मतलब कहने को छोटी बात लगती है लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। अखलाक अच्छा होने का मतलब है ईमानदारी से दूसरों का दिल दुखाए बगैर, दूसरों को धोखा दिए बगैर, और छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हमें अफसोस होता है, अपनी जमात में भी हम ऐसा बहुत देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर ख़ानदानों में रंजिशें लंबी लंबी चलती हैं। बाज़ औक़ात बड़े बड़े फैमिलीज़ में हम सुनते हैं 2 भाई 20 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी रूहानियत मुतासिर होती है।
रसूल अकरम सल्लम का फरमान है, जिसने एक साल अपने भाई से बातचीत नहीं की उसने गोया अपने भाई का कत्ल किया है। एक बोझ तो रहता है ना, और उस बोझ की वजह से शक पैदा होता है, ये ना भरम असब छोरी भाई अली अली करना, ये भरम नहीं जाएगा। अगर हमारे अमल में कमी हुई तो शक पैदा होगा, इल्म में कमी हुई तो शक पैदा होगा, इबादत में कमी हुई तो शक पैदा होगा, और अखलाक में कमी हुई तो शक पैदा होगा। इसीलिए सबसे पहली सीढ़ी अच्छी वैल्यूज़ को ज़िंदगी में अडॉप्ट भी करना है, अपने घर में भी उसको जारी रखना है, और इसके बाद जो है वो इबादत और इल्म, ये दो विंग्स की तरह हैं, दो पर की तरह हैं। अगर ये दो साथ नहीं रहे तो फिर ये कश्ती डावाडोल होगी, सही तरह से नहीं चलेगी। तो इस गोल को अचीव करने के लिए अगर आप उसी पर नज़र रखेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे तो दुनिया के दूसरे बहुत सारे गोल अस खुद सेट हो जाएंगे और लाइन बना के पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अगर हम इस गोल को भूल कर कोई दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जाएंगे तो वो चीज़ भी हाथ नहीं आती है। अगर वो हाथ आती है तो उसके साथ खुशी नहीं आती है और ये बड़ा गोल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने एक मर्तबा किसी मोमिन को दिखाया कि देखो आसमान पे तीन परिंदे हैं, तुम बताओ कि ये क्या है। तो उसने कहा, या मौला आप बताइए ये क्या है। तो मौला ने फरमाया, पहला परिंदा मेरा मोमिन है, दूसरा परिंदा दुनिया है, और तीसरा परिंदा दुनियादार है। मोमिन दुनिया के हाथ नहीं आता और दुनिया दुनियादार के हाथ नहीं आती। तो अगर हमारा एक गोल सेट होता है तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट होती हैं। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी वो हदीस होती है जो खुदा का फरमान हो मगर रसूल की ज़बान से बयान हुआ हो। तो उस हदीस कुदसी में खुदा फरमाता है कि ए बंदा मोमिन, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है, होगा तो वही जो मेरी ख्वाहिश है। अगर तू मेरी ख्वाहिश पर चलेगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है, लेकिन अगर तू मेरी ख्वाहिश को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चला तो मैं तुझे इतना थकाऊंगा, इतना थकाऊंगा कि तू थक हार के वो करने को आएगा जो मेरी ख्वाहिश है। ये बहुत अजीब सी हदीस है ना, तेरी भी ख्वाहिश है मेरी भी ख्वाहिश है, होना वही है जो मैं चाहता हूँ। तू अपनी चाहत को मेरी चाहत में फना कर देगा तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरी चाहत है, लेकिन तू मेरी चाहत को छोड़ के सिर्फ अपनी चाहत के पीछे भागेगा तो मैं तुझे इतना थकाऊंगा, इतना थकाऊंगा कि तू थक हार के वही करने आएगा जो मेरी चाहत है। इंसान को दो दफ़ा पैदा होना है, ये हदीस में भी है और हज़रत ईसा का भी कौल है, जो दो दफ़ा पैदा नहीं हुआ वो जन्नत तक नहीं पहुंच सकता। एक दफ़ा माँ के पेट से पैदा होना है, एक दफ़ा दुनिया के पेट से पैदा होना है। तो मौलाना रूमी अपनी एक नज़म में कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो एक फरिश्ता जाके बच्चे के कान में कहता है कि इधर तो तू बहुत तंग जगह पर है, अभी तो तुझे एक बहुत खुली दुनिया में पैदा होना है और वहाँ तू बड़ी नेमतों को देखेगा। तो बच्चा कहता है, जा फरिश्ते मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत आराम से हूँ और मुझे वो बड़ी दुनिया नहीं चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाता है, दूध पीने लगता है, तो फरिश्ता फिर सरगोशी करता है कि माँ का दूध तो बहुत ही छोटी सी गिज़ा है, इसके बाद दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें तेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो बच्चा कहता है, मेरे लिए कुल कायनात मेरी माँ का दूध है, मुझे बाकी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। जब बच्चा जवान होता है और सब कुछ खाने लगता है तब फरिश्ता आता है और कहता है कि इस दुनिया में तू सब कुछ एंजॉय कर रहा है लेकिन इससे बढ़कर एक दुनिया है और उसमें तुझे रूह और अक्ल की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो जवान कहता है, जा फरिश्ते मैं तो इसी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तो मतलब इम्प्लाई ये करते हैं कि हम आगे की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को पता होता है कि बच्चा पैदा होगा तो उसकी दो आंखें होंगी जिससे वो देखेगा। इमाम को मालूम है कि उस दुनिया में हम पैदा होंगे तो हम क्या कुछ देख सकेंगे, मगर इस दुनिया में रहते हुए हमें मालूम नहीं है। जिस तरह बच्चे को नहीं मालूम होता है कि वो पैदा होगा तो उसकी आंखें होंगी और वो देखेगा। तो इमाम के मतलब तमाम फरामीन जो रूहानी तरक्की के हैं उनको ख़ास तौर पे स्टडी करना, इल्म की दूसरी चीज़ों को भी पढ़ना, क्योंकि इल्म के बगैर खाली इबादत जो है वो भी एक प्रेशर बिल्डअप करती है। बैलेंस करने के लिए इन दोनों के लिए ज़रूरी है, और इसके लिए ऐसी ऐसी अहादीस हैं। मिसाल के तौर पर जब बंदा बहुत इबादत करता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल सकता है। इमाम सुल्तान शाह का फरमान है ना कि तुम अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल के तजर्बा करो। अब ये कोई आसान तजर्बा नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगर आपको सिर्फ पता हो कि पॉसिबिलिटी है, शायद हम इस एक एज में आखिरी पॉसिबिलिटी तक नहीं जा सकेंगे लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा फना होंगे तो करीब तो जा सकेंगे ना।
और जो आखिरी पॉसिबिलिटी तक पहुंच जाता है उसके लिए एक हदीस कुदसी है कि खुदा फरमाता है कि मेरा जो बंदा मेरे इश्क में हद से गुज़र गया मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। ये हदीस कुदसी है। फिर जब वो दावा करता है कि उसकी जान ले ली गई है, तो इस्लाम में आपको मालूम है जान के बदले में जान है। एक कानून था कि भाई अगर इस ख़ानदान में किसी की जान ली गई है तो आप सामने वाले ख़ानदान में किसी की जान ले जान लें, मगर फिर खुदा फरमाता है कि अगर तुम माफ़ कर दो मैं ज्यादा तो पसंद ज़्यादा करता पसंद करता हूँ, लेकिन जान के बदले में जान है। तो खुदा फरमाता है कि मैंने उसकी जान ली थी, मैं उसको अपनी जान दे देता हूँ। मतलब इतनी आसान सी बात करके इसके सूर्य अंदर का कितने बड़े कलाम, मीनिंग हो गए। सूर्य का अच्छा, कलाम। खुदा अपनी जान दे देगा तो क्या अपनी सिर्फ आंखें? एक और हदीस है कि मोमिन जब जन्नत में जाएगा तो उसका चेहरा रहमान के चेहरे जैसा हो जाएगा। तो रहमान का चेहरा मिलेगा तो वो कोई मास्क तो नहीं होगा जिसको हम पहनेंगे कि हाँ ये रहमान जैसा लगता है। रहमान का चेहरा पहनेंगे तो उसकी आंखें मतलब वही बीनाई हो जाएगी ना, इसी तरह देखेगा, उसी तरह सुनेगा, उसी तरह बोल सकेगा, उसी तरह समझ सकेगा। तो रहमान के चेहरे, उसको रहमान का चेहरा मिल जाएगा, ये कोई बच्चों की तरह मास्क नहीं मिलेगा, उसकी पूरी हस्ती मिल जाएगी। ये मंजिल बहुत दूर है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, और वो आरिफीन शायद मखसूस होते हैं जिनको मौला इससे नवाजेगा। लेकिन हम अगर पूरा फना नहीं हो सकते तो रोज़ थोड़ा थोड़ा फना हो जाए, रोज़ थोड़ी थोड़ी तरक्की हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमें लगता है हम कुछ भी नहीं हैं, फ़लाँ हमसे बेहतर है, डिमका हमसे बेहतर है। इंसान को ये एहसास बहुत दफ़ा होता है, एक अजीब एहसास से कमतरी आता है। अगर इसमें वो टारगेट बार बार जहन में रखना होता है कि नहीं, मैं इमाम का रूहानी शहज़ादा हूँ, मैं इमाम की रूहानी शहज़ादी हूँ, और शहज़ादा अपने बाप की मीरास को लेने के लिए होता है, तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आप यूनिक हैं। कहते हैं ना, इंसान का अंगूठा किसी दूसरे इंसान के अंगूठे से दुनिया में नहीं मिलता है। इसका मतलब उस खालिक ने लाखों लोग पैदा किए मगर आपको यूनिक बनाया है, आप जैसा किसी को भी नहीं बनाया है। अगर आप जैसा कोई भी नहीं है तो अपनी उस यूनिकनेस में यकीन रखकर, मतलब इससे उम्मीद आनी है, और इस शक में अपनी ज़िंदगी मत गुजारो क्योंकि इस शक में तुम अपने आप को ज़ाया कर दोगे। हम जब भी डिप्रेस होंगे, अपने बारे में लो फीलिंग का शिकार हो जाएंगे, इतना हम अपने वक्त को और उस उम्मीद को ज़ाया कर देंगे। और चूंकि उम्र जो है वो रुकती नहीं है, वो गुजरती जाती है, तो फिर वो वक्त कम हो जाएगा, तो कोई एक सांस भी उसकी याद के बगैर ना जाए, ये नियत करके रखें। फिर जाहिर है दुनिया का कामकाज में हमें लोगों के साथ बात करनी है, रोज़गार कमाना है, लेकिन वो याद जब दिल में होगी ना, आप गिनान सुनने के आदी होंगे तो वो आप दिन में काम भी करेंगे, वो गिनान आपके अंदर अस खुद बोलता रहेगा। कोई इसम का जिक्र करते होंगे तो वो इसम अस खुद बोलता रहेगा, और आपको ये होता है ऑटोमेटिक हो जाना, एक मकाम पर आकर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको अंदर से सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अगर ये लाइफ का स्टाइल बन जाए, बहुत दफ़ा हम फिर भी दुनिया के कामों में खो जाएंगे, कोई ना कोई चीज़ हमको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन जब भी याद आए, तो ये एक थीम है कि हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म है, एक स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म है। अगर उस स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म को हम समझते हैं तो कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसको ठीक करना आसान है। गाड़ी का मैकेनिज़्म पता होगा तो मालूम होगा कि क्या ठीक करना है, आप ठीक कर लेंगे। तो रसूल ने फरमाया कि आपके दो दोस्त हैं, फरिश्ता अच्छी बात करता है, शैतान बुरी बात करता है। आप जिसको ताकत देंगे, अपने फरिश्ते को आप खुद ताकत देंगे। अगर आमाल में कमी हो गई तो शैतान ताकतवर हो जाएगा, वो आपको कुछ और सजेस्ट करेगा। तो ये स्पिरिचुअल मैकेनिज़्म ऑल द टाइम एट वर्क है। आपको पता चल जाए कि आज आपके दिल में वसवसा ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, सब्र कम हो रहा है, तो आप उसी वक्त अपने फरिश्ते को ज़िंदा करेंगे, इबादत सजदात करें, कभी कभार 40 मरतबा कोई इसम पढ़ के सजदे करें, और इससे एक हीलिंग हो जाती है। दिल नहीं चाहता है तो भी करें, दवाई कड़वी है तो भी पीनी है, तो उसको कड़वी दवाई समझ के पीते जाएंगे तो अंदर एक हीलिंग आती जाएगी। माफ़ करना लोगों को सीखेंगे तो एक हीलिंग आएगी, आप लोगों की खैरख्वाही करेंगे तो भी एक हीलिंग आएगी। सबके लिए अच्छा चाहें, बहुत मुश्किल है सबके लिए अच्छा चाहना, लेकिन रसूल का फरमान है अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो जो तुम अपने अपने लिए लिए पसंद पसंद करते हो, करें। और ये क्राइटेरिया है ईमान का। अगर हमारे दिल में होता है कि नहीं मैं कामयाब हो गया, वो कहाँ हो सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। दुआ होनी चाहिए, खैरख्वाही होनी चाहिए, फिर वो होता है नहीं होता है वो अलग बात है। तो इससे भी एक हीलिंग आती है, और हीलिंग से
वसवसे कम होते हैं, इबादत में ध्यान लगता है, तो लोगों के लिए अच्छा चाहना, अपने फरिश्ते को ज़िंदा करते रहना है। तो कहते हैं ना, रसूल की पैदाइश से पहले अब्रहा खाना काबा पर हमला करने के लिए आया था, तो हाथियों का लश्कर लेकर आया था, लेकिन परिंदों ने आसमान से एक एक पत्थर गिरा के हाथी को मार दिया था। तो वसवसा पैदा हो जाए तो हाथी है, लेकिन उसको कंकर से मारना होगा, इल्म के, अकल के, इबादत से। वरना तो अगर एक दफ़ा घुस गया आपके दिल में तो आपको बहुत बेचैन करेगा, आपके दिल के सुकून को ताराज करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। इबादत में यकसुई के लिए वसवसों को बिठाना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप इबादत करें तो जो इसम आप पढ़ते हैं उसको उर्दू में, अरबिक में या इंग्लिश में अपनी आँखों से देखते जाएं। तो क्या होगा, आपकी आँखें बिजी रहेंगी, अपनी बातनी ज़बान से बोलते जाएं, अपने बातनी कानों से सुनते जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी आँखें भी बिजी रहेंगी, आपके कान भी बिजी रहेंगे। अगर आपकी आँखें फारिग होंगी, आप खाली ज़बान से बोल रहे हैं, अगर आपकी आँखें फारिग होंगी तो शैतान मार्केट को ला के सामने खड़ा कर देगा, कान फारिग होंगे तो कानों में कोई बात कर देगा। तो अगर हम खुद बोलते हैं और खुद सुन भी रहे होते हैं साथ में, तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है। हम अपने सुनने की कोशिश नहीं करेंगे और बेदिली से खाली यूँ बोलते जा रहे हैं तो कान फारिग होगा, शैतान देखता है कि क्या, कौन सा सेंस फारिग है, वहाँ से एंटर हो जाए। तो कान फारिग है तो कान से आएगा, आँख फारिग है तो आँख से आएगा। इसलिए अपने इन तीनों सेंसेस को बिजी रखेंगे तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए इबादत करते हुए शैतान को रोकना होता है, लेकिन उसमें भी हम तब कामयाब होंगे जब दिल में वसवसे बैठ चुके हैं। अगर कोई वसवसा, कोई नाराज़गी, कोई खलिश है, तो दिन भर हमारी रूह पर चीज़ें टेप होती हैं, और जब खामोशी होती है तो वो ऑन हो जाती हैं, तो फिर वो वसवसे, वो चीज़ें आती रहेंगी। इसलिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि इबादत से पहले थोड़ी सी गिरियाओंजारी, रात को सोने से पहले थोड़ी सी गिरियाओंजारी, जिससे दिल दुखा है उसको माफ़ करें, दिल खोल के माफ़ करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट मौला ने सिखाया है। किसी को माफ़ करने से भी हीलिंग होती है अंदर, किसी का अच्छा चाहने से भी हीलिंग होती है। और ऐसे लेवल पर खुद को ले जाने की कोशिश करें जहाँ पर हमें खुशी और गम अफेक्ट ना करें, कुछ मिला या नहीं मिला वो अफेक्ट ना करें। वो एक अरसे के बाद आता है, लेकिन आता है, आहिस्ते आहिस्ते आप कोशिश करते रहें। पैसा है या नहीं है, इन दोनों से आप बालातर हो जाते हैं। अगर है तो भी शुक्र सब्र और हलीमी आती है, और नहीं है तो भी शुक्र सब्र और हलीमी आती है। ऐसे स्टेज पर आने के बाद इबादत थोड़ी आसान हो जाती है।